हेलो गाइस, वेलकम इन डूअर क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे गाइस हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी रीजनिंग सुपर 25 की, जिसमें हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो गाइस उसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो, और गाइस आज जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपका 11 अगस्त 2017 को जो एसएससी सीजीएल का 2017 का एग्जाम हुआ था, तो उसके रीजनिंग सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो सिर्फ सेकेंड के क्वेश्चन पेपर हुआ था। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें देख क्या कह रहा है कि इसमें रिलेटेड वर्ड पेयर बताना है, कि जैसे यहाँ पे हार्ट और आर्गन दिए, यानी हृदय और अंग है, हृदय हमारा क्या एक अंग है। इसी तरीके से इसके आगे एक पेयर बताना है कि जो सेम रिलेशन जो यहाँ पे फॉलो हो रहा हो वो वहाँ पे भी एक रिलेशन क्या हो फॉलो हो। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोन्स कैल्शियम यानी हड्डी कैल्शियम से, देखिए हड्डी और कैल्शियम यानी हड्डी जो है वो कैल्शियम से बनी होती है। हड्डी इसमें ये हड्डी के बारे में नहीं बता रहा कि हड्डी है क्या, दैट मीन्स यहाँ पे हड्डी किससे बनी वो चीज़ है। जैसे यहाँ पे क्या हार्ट हमारा आर्गन है, तो इसी तरीके से देखिए सेकंड ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पे आईज और आर्गन गिवन, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी आँखें हैं वो भी क्या हमारे एक हमारे बॉडी के अंग होते हैं। दैट मीन्स ये देखिए रिलेशन आपका जो पहला रिलेशन है सेम उसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन, दैट मीन्स ये रिलेशन आपका क्या सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स का कौन सा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारी, क्या होगा इसका आईज आर्गन, हार्ट आर्गन सेम सिमिलरली आईज आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे पहले इनमें से हमें क्या करना है रिलेशन फाइंड आउट करना, देन यहाँ पे एक रिलेशन अप्लाई करना और बताना कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस अगर यहाँ पे आप देखें ध्यान से बी है उसके बाद सी, दैट मीन्स उसमें हर एक नंबर पे आप एबीसीडी में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो बी के बाद क्या आता है सी, दैट मीन्स यहाँ पे बी में क्या प्लस वन हो जा रहा है। इसके बाद पी के बाद क्या आ रहा है देखिए क्यू, दैट मीन्स पी के बाद क्यू हो रहा है, दैट मीन्स इसमें भी प्लस वन हो जा रहा है। यानी जितने भी नंबर्स आप क्या कह रहे हैं टी के बाद यू आता है एंड डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, दैट मीन्स हर एक नंबर में प्लस वन करके उसके नेक्स्ट वर्ड डाला जाए, जैसे बी सी पी क्यू टी यू एंड डब्ल्यू एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा सी के बाद क्या आता है डी, तो हमारा क्या हो जाएगा डी, एच के बाद क्या आता है एच से आई, टी आई हो गया। अब इस तक देखिए इतने में ही अगर आपके देखो तो ऑप्शन तो कम हो गए, थर्ड एंड फोर्थ आपके ऑप्शन तो यहीं से रिमूव हो गए, ठीक है। अब देखिए कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बचे डी आई ठीक है, ये दोनों सेम है। इसके बाद एस और ओ, तो इसके बाद कौन सा एन, एन के बाद क्या आता है ओ, तो डी आई ओ एंड एस के बाद क्या आता है एस के बाद आपका टी, दैट मीन्स डी आई ओ टी, दैट मीन्स कौन सा सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखिए लॉजिक फाइंड आउट किया, देन उसी लॉजिक को नेक्स्ट ईयर में अप्लाई किए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा 48, 63 एंड 80। अगर आप देखिए गाइज ध्यान से देखें तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 8 एंड 63 को लिख सकते हैं 7 × 9। तो अगर देखें इन दोनों के बीच में प्लस टू का गैप हो रहा है और यहाँ पे भी प्लस टू हो रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेयर देखें 80 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × 10, दैट मीन्स यहाँ भी देखिए प्लस टू हो रहा है। दैट मीन्स हमें एक ही तरह का नंबर इनमें से फाइंड आउट करना है जिसमें क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा हो। तो देखिए 6, 8, 7, 9, तो यहाँ पे देखिए 97। ये अगर आप यहाँ पे ध्यान दें आपका जो 99 है, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 11, यानी 99 को हम लिख सकते हैं 99 को क्या 9 × 11, दैट मीन्स यहाँ पे 99 प्लस 2 हो रहा है। इसके बाद देखिए 92 को हम क्या लिख सकते हैं अगर इसके फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से प्लस 2 में वो डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या 9 × 11 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे 9 और आपका प्लस 2 का डिफरेंस हो रहा है, दैट मीन्स कौन सा थर्ड ऑप्शन करेक्ट 99। इसके बाद आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे थे कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड्स, इसमें बताना कौन सा वर्ड हमारा ऑड है। तो अगर देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए पहला कैलेंडर और डेट, कैलेंडर एक होता है जिसमें हम डेट मंथ और दिन कौन सा है कौन से डेट को तो वो सब देखते हैं। इसके बाद डेयरी एंड मिल्क, ठीक है, जगह डेयरी और मिल्क को ध्यान दें तो डेयरी आपका क्या होता है एक प्लेस होता है जहाँ पे हमारा दूध मिलता है, उसको दूध या दूध के प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेयरी। इसके बाद देखिए नोटबुक और नोट्स, दैट मीन्स ये भी एक तरीके से नोट आपका क्या
कागज से बना हुआ प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स नोटबुक में हम क्या अपने जिसमें डेटा एंट्री करते हैं या जो भी डेटा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं, इससे अकाउंट एंड एंट्रीज यानी अकाउंट मतलब जिसमें हम किसी अपना जैसे किसी बिजनेस है या समथिंग जो भी है उसमें हम अपना लेन देन या समथिंग जो एंट्री करते हैं, दैट मीन्स इनमें से देखें ये मोस्टली क्या है, तीन चीज़ ये आपके एक प्रोडक्ट हैं, अकाउंट्स हो गया, नोटबुक हो गया, बट ये जो डेयरी है ये आपका क्या एक प्लेस है, दैट मीन्स कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा डेयरी एंड मिल्क, ये हमारा क्या पद विषम है, ठीक है, तो इसका कौन सा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स, अब इन्हें बताना ऑड लेटर कौन सा होगा। तो देखिए गाइस अगर आप यहाँ पे एम एम हमारा क्या कॉन्सोनेंट यानी कि एक व्यंजन है, ई ई हमारा क्या एक वावेल है, एस भी हमारा कॉन्सोनेंट एंड डब्ल्यू भी हमारा क्या कॉन्सोनेंट, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई हमारा क्या है वावेल और इसके अलावा सारे हमारे क्या यहाँ पे कंसोनेंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे देखिए बताना है कि इनमें विषम संख्या कौन सी होगी, तो विषम संख्या बताना, देखिएगा 26 को आप ध्यान से देखें, 26 को हम क्या लिख सकते हैं 25 + 1, ये इसका क्या होगा 5 का स्क्वायर + 1, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 49 + 1, दैट मीन 7 का स्क्वायर + 1, 82 को क्या लिख सकते हैं 81 + 1, दैट मीन्स क्या हो गया ये 9 का स्क्वायर + 1, और 120 को क्या लिख सकते हैं 120 को 121 - 1, दैट मीन्स 11 का स्क्वायर - 1। देखिए जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनमें से हम प्लस वन करके हमारे नंबर्स मिल रहे हैं, बट जो लास्ट है 120 इसमें माइनस वन करना पड़ता है एक पूर्ण स्क्वायर के नंबर पे, दैट मीन्स जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर इसमें माइनस वन करना पड़ता है, दैट मीन्स ये हमारा कौन सा अलग पद हो गया फोर्थ, यानी हमारा विषम संख्या कौन सी होगी फोर्थ 120। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कह रहा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन व्हिच दे अकर डिक्शनरी आर्डर, इन वर्ड्स को डिक्शनरी आर्डर पे अरेंज करना, तो जब भी हमें डिक्शनरी आर्डर को अरेंज करना तो हम सबसे पहले कि अपने ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन में देखिए पहले फर्स्ट वाले लेटर में क्या 2, 3 और 2, 3, दैट मीन्स फर्स्ट हमारे 2, 3 में हमें कंपेयर करना है कि 2, 3 में कौन सा आएगा, तो देखिए सेकेंड हो गया थर्ड हो गया, देखिए टी टी के बाद यहाँ पे ओ है और इसमें टी के बाद आई, तो हमारा पहले आई आता है देन ओ आता है, दैट मीन्स सबसे पहले कौन सा आएगा थर्ड आएगा, इसके बाद टू आएगा, दैट मीन्स जिसमें टू पहले है वो हमारे ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, दैट मीन्स अब कौन सा 3, 2, 3, 2, 5, 1, 1, 5, दैट मीन्स ये सेकेंड और फोर्थ वाले ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा कौन सा पहले 2, 3 आएगा, इसके बाद देखिए सेकेंड पोजीशन में दोनों में 2 है, दैट मीन्स इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, देन आते हैं यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे क्या 5, तो 1 और 5 में कंपेयर कर लीजिए, तो 1 में देखिए टी आर ए है और 5 में क्या टी आर ए, यानी देखिए 3 डिजिट सेम, इसके बाद देखिए इसमें सी है और यहाँ पे आई है, तो ट्रेन में पहले आई आएगा और ट्रांजेक्शन में सी आएगा, दैट मीन्स सी हमारा पहले आता है आई से, दैट मीन्स सेकेंड के बाद क्या आएगा हमारा फिफ्थ आएगा, तो हमारा कौन सा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3, 2, 1, क्योंकि 1 तो हमारा फिफ्थ से बाद आएगा, दैट मीन्स हमारा कौन सा सेकेंड ऑप्शन गलत फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। इस तरीके से देखिए हमें कंपेयर 2-3 वर्ड्स को ही करना पड़ता है अगर आप ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, नहीं उस तरीके से हमें टोटल 5 लेटर्स को कंपेयर जो वर्ड्स उनको कंपेयर करना पड़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है एक सीरीज गिवन है जिसमें बताना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो देखिए अगर सीरीज को ध्यान से देखें यहाँ पे डी है इसके बाद एफ एच एंड डी के एन क्यू, तो देखिए दो सीरीज बन रही है, देखिए पहले क्या डी डी से हमारा एफ एफ से एच आ रहा है और एक सीरीज कौन सा सेकेंड वाली के के से एन एन से क्यू और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड बताना, तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें डी से देखो क्या आपका ए एफ दैट मीन्स यहाँ पे डी की अगर प्लेस वैल्यू देखें यहाँ पे D की प्लेस वैल्यू आपकी 4 है एंड F की प्लेस वैल्यू 6 है, H की प्लेस वैल्यू 8 है, दैट मीन्स हर एक में क्या प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 8 में प्लस 2 कर देते हैं तो हमारा कौन सा 10 प्लेस वैल्यू वाली आएगा, 10 प्लेस वैल्यू किसकी है J की, दैट मीन्स हमारे देखिए किसकी कौन कौन से पहला वर्ड J है, दैट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड, यानी के ये आपके दो वर्ड्स रिमूव हो गए, अब दो ऑप्शन बचे। इसके बाद देखना सेकेंड वाली सीरीज यहाँ पे देखिए K K का प्लेस वैल्यू कितना है, K का प्लेस वैल्यू 11, n का प्लेस वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कितना है 14, तो n का प्लेस वैल्यू 14, q का प्लेस वैल्यू 17, देखिए यहाँ पे कितना प्लस 3, यहाँ पे भी प्लस 3, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे प्लस 3, तो 17 प्लस 3 यानी 20 हो जाएगा, और 20 प्लेस वैल्यू किसका होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं t का होता है 20 प्लेस वैल्यू, तो ये आपका क्या ऑप्शन टी, दैट मीन्स जे और टी हमारा आएगा, तो इसका कौन सा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
यहाँ पे कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इसका मिसिंग नंबर बताना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे किस तरीके से सीरीज बन रही है, ये सीरीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले यहाँ पे 2 है, तो 2 × 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 5, यानी अगर इस पर 2 × 2 + 1 करें तो नेक्स्ट टर्म आ गया 5। इसके बाद क्या 5 × 3 + 2 करें तो क्या आ गया 17। यानी कि ये देखिए जो नंबर है इनमें हर में 1 इंक्रीज करना है और यहाँ पे जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा 17, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका 4 आएगा और यहाँ पे ऐड क्या करना होगा 3, जो हो जाएगा 17 × 4 = 68 + 3 = 71। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 71 × 4 के बाद क्या आएगा 5, एंड ऐड क्या करना होगा 3 + 4, ये 4 ऐड करोगे तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 5 × 1 = 5 and 4 = 9 एंड 5 × 7 = 35 359 इसका आएगा, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, अक्षय रिमेंबर है कि दैट द मैच इज आफ्टर 16 अप्रैल, यानी जो मैच है वो 16 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 अप्रैल के पहले। तो जो अक्षय को रिमेंबर, अक्षय के अकॉर्डिंग क्या, अक्षर के अकॉर्डिंग मैच 26 अप्रैल के देखिए बाद में है और 30 अप्रैल के पहले है, यानी 30 अप्रैल के बीच में कौन कौन सी डेट आई, 26 और 30 के बीच में 27, 28 और 29, यानी 3 डेट में हो सकता है अक्षर के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, सुरेश को क्या रिमेंबर है, सुरेश को देखिए क्या रिमेंबर है कि जो मैच होगा वो 22 अप्रैल के बाद होगा यानी 22 अप्रैल के बाद होगा और 28 अप्रैल से पहले होगा यानी 28 अप्रैल से पहले होगा, तो इसके बीच में कौन कौन सी डेट आ गई, 22, 23, 24, 25 और 26 ये आ गई। देखिए अगर इनमें से कौन सी डेट कॉमन है, अगर जो डेट दोनों में कॉमन होगी वही उसी डेट में हमारा 22 के बाद 27 भी आएगा क्योंकि 28 तक जाना है, ठीक है। तो इनमें से देखिए कौन सा डेट कॉमन, देखिए 23 भी नहीं कॉमन, 24 भी नहीं कॉमन, 25 नहीं, 26 एंड 27 कॉमन है और इसके अलावा कोई डेट कॉमन नहीं, तो 28, 29 भी कॉमन है, दैट मीन्स दोनों के अगर जो कॉमन डेट देंगे क्या है 27 को मैच होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देख कह रहा है कि पुस्तकों की एक पंक्ति में, अंग्रेजी की एक पुस्तक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान में, दैट मीन्स इन ए रो बुक्स ए बुक ऑफ इंग्लिश, यानी एक जो इंग्लिश की बुक है 16 फ्रॉम द लेफ्ट, देखिए आपका क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट से 16 पोजीशन में कौन है, इंग्लिश की बुक है, ये आपकी कौन सी 16 पोजीशन है और इसमें हमने इंग्लिश की बुक रख दी। राइट एंड से आपकी मैथ की बुक है, 12th फ्रॉम द राइट एंड, कौन सी मैथ की बुक है, तो ये हमारी मैथ की बुक हो गई किधर से, राइट एंड से 12th हो गई पोजीशन। अब देखिए इधर तो देखिए 12th यहाँ तक की बुक्स हो गई, इधर कितनी टोटल 12th हो गई और इधर कितनी टोटल है 16th, यानी यहाँ तक अगर बात करें तो कितनी हो गई जो बुक 16 + 12 यानी 28 हमारी बुक्स इतनी में। लेकिन इसके बाद देखिए कौन, इफ द मैथमेटिक्स बुक्स इज द 6th राइट ऑफ द इंग्लिश बुक, यानी इंग्लिश बुक के 6वीं बुक कौन सी हमारी मैथ की बुक है, यानी 6th बुक आपकी क्या मैथ, यानी 6th पोजीशन आ रही है अगर जब यहाँ से काउंट कर रहे हैं 6वीं पोजीशन, तो इनके बीच में कितनी बुक्स होंगी, तभी यानी 5 बुक्स इनके बीच में भी होंगी इंग्लिश और मैथ में, क्योंकि 6वीं पोजीशन है, दैट मीन्स उनके बीच में कितनी बुक्स होनी चाहिए, 5 बुक होनी चाहिए, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तभी तो 6th पोजीशन आएगी, दैट मीन्स बीच में और कितनी है 5 बुक्स और, दैट मीन्स इसमें 5 और ऐड कर दीजिए तो टोटल कितनी 33 बुक्स आएंगी, तो इसका कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी एक इसमें वर्ड गिवन है उससे बताना है कि कौन सा आपका वर्ड नहीं बना पॉसिबल है बनने के लिए, जो ऑप्शन है आपके गिवन है। देखिए अगर वन बाय वन सारे वर्ड्स को चेक करते हैं तो पहले देखिए एंगर ANGER, इसमें देखिए ए भी है, जी भी है और एन ई आर, दैट मीन्स ये बन जाएगा पास, PAWS आपका स्टार्टिंग में ही ये लिखा हुआ पेज, PAGE, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा, ये लिखा पेन, PAIN, देखो क्वेश्चन में आपका जो वर्ड गिवन पैसेंजर, पैसेंजर में आई वर्ड नहीं आता, दैट मीन्स पेन वर्ड आपका पॉसिबल नहीं, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होगा, पेन, पेन यहाँ पे बनाना इस वर्ड से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक ये डिकोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक सर्टेन लैंग्वेज में हम क्या ट्रीजन को क्या लिख रहे हैं, RKWWINX, देखिए क्या TREASON को आप कोड करके क्या लिख रहे हो, RKWWINX
INX। अगर यहाँ पे सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि हमें अभी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले इनकी तुरंत प्लेस वैल्यू लिखिए आप इनके नीचे और इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली रिलेशन समझ में आने लगेगा। देखिए टी, टी की प्लेस वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं 20, तो ये 20। आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितना है 19, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एन की प्लेस वैल्यू 14। इधर की प्लेस वैल्यू लिखिए, आर की प्लेस वैल्यू है आपकी 18, के की प्लेस वैल्यू आपकी 11, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू आपकी 23 और अगेन डब्ल्यू 23, आई की प्लेस वैल्यू है 9, एन की प्लेस वैल्यू है आपके 14 एंड एक्स की प्लेस वैल्यू है 24। तो ये प्लेस वैल्यू इस तरीके से देखिए, अगर ध्यान से देखें 20 में माइनस 2 करना 18 आएगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में देखिए प्लस या माइनस कनेक्शन 11 नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर आप लास्ट और फर्स्ट का देखें, देखिए 20 में अगर आप प्लस 4 कर देते हैं तो क्या 24 आ जाएगा, 18 में आप माइनस 4 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 करेंगे तो 14 आएगा, 5 में प्लस 4 कर देते हैं तो 19 आएगा, 1 में माइनस 4 करेंगे तो 23 आ जाएगा। ये ध्यान दो, माइनस 4 करने से, जैसे 1 में आप माइनस 4 करेंगे दैट मीन्स कि 1 2 3 4 दैट 23 आ जाएगा, हमें जस्ट रिवर्स आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माइनस 4 करने से 23 आ जाएगा, एंड इसके बाद आप 19 में प्लस 4 करेंगे 23 आएगा, एंड 15 में प्लस 4 करेंगे 11 आएगा, 4 में आप प्लस 4 करेंगे 18। दैट मीन्स प्लस 4 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 इस तरीके से चल रहा है, और यही रिलेशन आप यहाँ पे सेकेंड वाले में भी देख सकते हैं, पॉलुअरिटी एंड सी एन एक्स एच वाई के टी में भी यही होगा। देखिए पी, पी आपकी प्लेस वैल्यू पी की देख सकते हैं, पी की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पी की जो प्लेस वैल्यू है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पी की प्लेस वैल्यू है, पी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 16 है। इसके बाद देखिए लास्ट वर्ड का क्या है, इसमें आर है, आर की प्लेस वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 18, सॉरी यहाँ पे टी है लास्ट, ये इसका टी है, तो ये टी का प्लेस वैल्यू आप देख सकते हैं 20, तो यहाँ पे कितना प्लस 4 हो रहा है। इसके बाद देखिए इसका कौन सेकेंड ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू आप 15, और इसके बाद आपको माइनस 4 करना होगा, तो इधर देखिए माइनस 4 करने से क्या आएगा के, क्योंकि हम इधर जो फर्स्ट होगा वो किसके टी से होगा, ओ के से होगा, दैट मीन्स यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू देखिए कितना 11 आ रही, दैट मीन्स यहाँ पे ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो गई। तो इसी इक्वेशन को अब यहाँ पे अप्लाई करना नंबर में, तो नंबर वाला यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, तो ये क्या है एन यू एम बी ई आर, तो देखिए नंबर की पहले प्लेस वैल्यू कितनी है, एन की प्लेस वैल्यू 14, यू की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं 21, एम की प्लेस वैल्यू है 13, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए 14 में आप पहले प्लस 4 करिए क्या हो जाएगा 18, 18 प्लेस वैल्यू किसकी होती है आर की, यानी आपका लास्ट वर्ड आर होगा। अगर ऑप्शन से यहाँ पे देखें, ऑप्शन अगर इन सबका देखें तो एक ही में फर्स्ट वाले ऑप्शन में केवल लास्ट में आर है, बाकी किसी में देखिए आर नहीं हो रहा है लास्ट, ठीक है। तो यानी कि आपका लिए तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, देन पहला ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जैसे ही एक ऑप्शन मिल जाए उसी को टिक करके बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन आप इसको सेम इसी तरीके से आप सारे वर्ड्स भी निकाल सकते हैं। 21 में माइनस 4 करिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 17, और 17 किसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 17 प्लेस वैल्यू क्यू की है, तो देखिए लास्ट के क्यू आर आ रहे हैं, यानी इस तरीके से आप सारा और निकाल सकते हैं, और यही आपका वर्ड मिलेगा एन आई एक्स क्यू क्यू आर, ठीक है। तो सिमिलरली ये लॉजिक यहाँ पे अप्लीकेबल था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देख क्या कह रहा है कि इसमें हमें एक सिंबल बताना है, कौन सी सिंबल से ये इक्वेशन क्या हो जाए आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी इसमें कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन इसमें करना है। देखिए जब भी सही क्वेश्चन है तो हमें सारे वन बाय वन करके इसमें ऑप्शन ही चेक करना है, तो इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता। देखिए पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, 30, इसके बाद माइनस, माइनस के बाद 6, फिर क्या आएगा इक्वल, इक्वल के बाद आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4, देखिए इधर क्या हो जाएगा 24, और इधर देखिए 5 4 जो 20 प्लस 4 यानी कि क्या 24, दैट मींस ये दोनों इक्वल हो गए, अभी इसमें इक्वल का साइन, दैट मींस का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पहले ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, दैट मींस आपका इसको आगे टिक करके बढ़ सकते, लेकिन अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं करेक्ट होता तो आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ वन बाई वन करके इनको भी चेक करना पड़ता। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे नेक्स्ट, यदि इसमें कह रहा है इफ 13 हैज 9 इज इक्वल टू 94 एंड 18 हैज 7 इज इक्वल टू 100 देन 24 इंटू 24 हैज 6 की वैल्यू बताना है। देखिए पहले इसका लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा एसएससी ने क्वेश्चन को घुमा ट्विस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या 13 क्या डायरेक्ट देखें 13 इंटू 9 कितना होता है आपका
117 लेकिन यहाँ पे 94 आ रहा है, दैट मीन्स अब यहाँ पे और क्या कैसे आप 94 ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 94 लाया गया है वो 13 × 9 इसके बाद माइनस किया गया है क्या 13 प्लस यहाँ पे क्या एक 9 है और एक अपने तरफ से 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 13 × 9 क्या हो जाएगा 117 माइनस इनको ऐड कर 13 प्लस 9 हो जाएगा 22 एंड ये 23, तो 23 माइनस करेंगे देखिए क्या जाएगा 94। देखिए इस तरीके से यहाँ पे माइनस करना है। नेक्स्ट को इसी लॉजिक को आप सेकंड लॉजिक से जो सेकंड पेयर गिवन है इससे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए 18 मल्टीप्लाई बाई 7 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया देन माइनस क्या करना है 18 प्लस 7 पर 1 अपने तरफ से ऐड कर दीजिए। तो देखिए आप 18 से 1 जा होता 126 माइनस 18 7 जा 25 माइनस 1 सॉरी 25 प्लस 1 26 और 126 माइनस 26 क्या हो जाएगा 100, इसका क्या 100 दैट मीन्स यही आपका लॉजिक करेक्ट है। अब इसी लॉजिक को अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 × 6 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 1 तो यहाँ पे 24 6 जा कितना हो जाएगा 4 एंड ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस ये हो जाएगा 31 तो इसको देखिए माइनस करते हैं तो हो जाएगा 311 यानी 113 आएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि जो कुछ यहाँ पे नंबर गिवन है ठीक है तो इसमें से जो क्वेश्चन मार्क की प्लेस में नंबर बताना है कि नंबर कौन सा आएगा। देखिए यहाँ कोई थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे भी है समझना है क्योंकि देखिए एक यहाँ पे सर्किल के अंदर कोई लॉजिक स्पेशली नहीं आ पा रहा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें अगर प्लस 2 में 5 ऐड कर देते हैं प्लस 5 तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 5 में प्लस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, नेक्स्ट 14 में आप प्लस 5 करते हैं तो 19 आ जाएगा और 19 में प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। यानी पहले वाले जो टेबल है उसमें आप प्लस कर रहे हैं एक सेम नंबर से तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, यहाँ पे यहाँ सेम ही नंबर से हमें प्लस करना है। अगर आप इसके बाद सेकंड और थर्ड वाले में लॉजिक देखें तो सेकंड क्या है 7 में आप प्लस 1 करके क्या आ जाएगा 8 तो 10 में आप प्लस 1 करिए 11 आ जाएगा, 19 में प्लस 1 करेंगे 20 आ जाएगा, तो 14 में क्या प्लस 1 ही करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। एक तो देखिए यहाँ से 15 आ गया, एक अगर फर्स्ट वाले से भी निकाल सकते, देखिए फर्स्ट वाले से कितना में प्लस करना होगा यहाँ से प्लस 6 करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस 6 करना पड़ेगा ठीक है, तो प्लस 2 प्लस 6 8 5 प्लस 6 11 14 प्लस 6 20 एंड 9 प्लस 6 15 आ जाएगा। तो आप प्लस 6 भी कर सकते प्लस 1 से भी कर सकते थे, इसका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार लॉजिक हमें दो जो बॉक्सेस होते हैं उनमें सेपरेट लॉजिक न लग के एक साथ लॉजिक अप्लाई होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका फिगर काउंटिंग का, इसमें बताना है कि आपके जो फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे इस फिगर में कितने ट्रंगल्स हैं। देखिए पहले हम इसके इस तरह के जो हमारे और पहले क्वेश्चन आते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने क्या तरीका होता है इसको देखो तीन पार्ट में करते हैं। तो एक देखिए हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से एक जो स्क्वायर वाला पोर्शन हो गया देन यहाँ से आप ध्यान दें तो एक इधर क्या एक ट्रंगल बन रहा है तो एक इस तरीके से हमने ट्रंगल वाले पोर्शन को कट कर लिया और एक ही नीचे वाले पोर्शन में ये इस तरीके से बन रहा है जिसमें एक भी ट्रंगल नहीं बन रहा है। तो देखिए इस वाले पोर्शन में हम कैसे निकालेंगे ट्रंगल 1, 2, 3, 4 यानी देखिए 4 ट्रंगल सेपरेट तो कितने हो जाएंगे टोटल ट्रंगल 4 × 2 = 8 ट्रंगल। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1, 2 तो इसमें टोटल ट्रंगल 1 + 2 = 3 हो जाएंगे, इसमें एक भी ट्रंगल नहीं जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए 1 + 3 = 11 ट्रंगल्स हो गए। अब जब देखिए इनको कंबाइन करते हैं तो देखिए जब इन दोनों को मिलाएंगे इन दोनों लाइन एक साथ आएंगी जैसे हमने इन दोनों को मिला दिया तो एक और नया ट्रंगल बन जा रहा है ये जो हमारे यहाँ पे काउंटिंग में इंक्लूड है दैट मीन्स ये एक और ट्रंगल बन गया दैट मीन्स ये एक ट्रंगल बन गया तो ये एक और प्लस कर दीजिए तो कितने अब टोटल ट्रंगल कितने हो गए 12। इसी तरीके से जब देखिए इस वाले पोर्शन को भी आप ऐड करते हैं जैसे बॉटम वाले पोर्शन को जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो बॉटम वाले पोर्शन को ऐड करने से ये देखो एक ट्रंगल यहाँ बॉटम में भी बन जाता है दैट मीन्स ये एक ट्रंगल भी बन जाएगा जहाँ अभी एक भी ट्रंगल नहीं बना दैट मीन्स एक और ट्रंगल यहाँ पे दिखा आपको ज्वाइन करने से टोटल कितने 13 ट्रंगल्स हो गए दैट मीन्स का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप पहले उनको सेपरेट करिए फिर इसके बाद ज्वाइन करिए। ध्यान दीजिए कि ज्वाइंट पे ही हमारे ट्रंगल बनते हैं जब आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइंट वाले ट्रंगल को आप फोकस करते रहिए जैसे वो ट्रंगल आपको एक नया ट्रंगल बनता दिखे उनको अलग से काउंट करते हुए चलिए जिस तरीके से आपको कम टाइम पे सारे ट्रंगल फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दो गिवन है इसमें क्या कह रहा है
ऑल बुक्स आर इरेजर, यानी जो सभी पुस्तकें हमारी क्या है, रबड़ है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, आर शार्पनर्स आर बुक, यानी सभी जो शार्पनर है वो क्या है, पुस्तकें हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं जो शार्पनर हैं, ये हमारे शार्पनर, ये सभी क्या है, पुस्तकें, ये हमारी बुक्स हो गई। और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, ऑल बुक्स आर इरेजर, यानी जो सभी किताबें वो क्या है, हमारी इरेजर हैं, तो हमने इरेजर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका डायग्राम बनेगा। अब हमें इसके कंक्लूजन पढ़ते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें रबड़ हैं, ये ऑल शार्पनर्स आर इरेजर। देखो आर ये शार्पनर है, ये सारे शार्पनर इरेजर के अंदर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यानी सभी शार्पनर क्या रबड़ हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, सम बुक्स आर शार्पनर, देखिए कुछ जो बुक्स का ये पोर्शन है शार्पनर वाली, वो कुछ क्या होंगी, बुक्स भी होंगी, दैट मीन्स ये आपके कुछ बुक्स शार्पनर भी हैं, क्योंकि जो हमारे सारे शार्पनर बुक को कवर करता है, दैट मीन्स इसका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कौन सा बहुत कंक्लूजन इसके सही हैं, और इसका कौन सा आप इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत कंक्लूजन फॉलोज। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये डाइस का क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कि जो फलक है यानी कि जो साइड फेस है कंटेनिंग, यानी फेस के अपोजिट साइड में कौन सा लेटर होगा। तो देखिए जब इस तरीके अपोजिट वाला लेटर फाइंड आउट करना हो, तो हमें सबसे पहले जितने भी यहाँ पे फिगर गए उनमें से हम ये देखें कौन कौन से जो डायग्राम, उनमें से कौन कौन सी फेसेस हमारी कॉमन है। तो देखिए अगर फर्स्ट वाले में देखें तो कोई भी लेटर कॉमन नहीं, जो आप कुछ दिख रहे हैं ए बी डी एंड सी ई एफ में कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड में देखें तो यहाँ पे सी एफ कॉमन है, इसके बाद नॉन कॉमन क्या है ए और ई। तो जब दो लेटर कॉमन होते हैं, देखिए यहाँ पे कितने कॉमन है, दो फेसेस जब कॉमन दिख रहे हैं, दिखने वाली दो फेसेस जब कॉमन होती हैं, तो जो दो नहीं दिखती फेसेस वो एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट। जो मतलब जो कॉमन फेसेस हैं जो दिख रही, वो जो कॉमन नहीं है, कॉमन न दिखने वाली फेसेस, या जिनको कह दें जो सेम फेसेस नहीं है, ठीक है, तो वो एक दूसरे क्या हो जाएंगी, अपोजिट फेसेस में होंगी। दैट मीन्स देखो यहाँ पे दो फेसेस कॉमन थी, और जो दो अनकॉमन फेसेस हैं वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट। ये कब अप्लाई होगा, जब दो फेसेस कॉमन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ई और ए दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब हम बताना ई के अपोजिट कौन सा, ई के अपोजिट ए होगा, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये आपने समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पे बताना है, यानी जब दो फेसेस क्या हो कॉमन हो, तो जो अनकॉमन दो फेसेस हमें दिखते हैं, यहाँ पे ए और ई दोनों अनकॉमन लेटर हैं, यहाँ पे सी और एफ देखो दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा ई और एफ एक दूसरे का अपोजिट होंगे, एक तो ये होगा एक दूसरे। दूसरा लॉजिक यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट वाले फिगर और थर्ड वाले फिगर में आप देखिए केवल एक सर्फेस कॉमन है। जब एक सरफेस कॉमन होती है उस केस में हमें देखिए जो हिडन वर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ए है, इसके बाद बी सी डी ई, यानी एक फेस जब सेम होती है यानी कॉमन होती है, उसके बाद जो हिडन फेस होती है वो उसका अपोजिट होता है। ये याद है कि जब एक फेस कॉमन हो तो हिडन वाला उसका क्या होगा, अपोजिट होगा कॉमन लेटर का। तो देखिए ए यहाँ पे कॉमन है और इसका हिडन क्या है, हिडन ई है, दैट मीन्स ई आपका यहाँ पे अपोजिट होगा, ठीक है। तो जब हिडन वाले केस हो वहाँ पे, मतलब जब एक फेसेस कॉमन हो तो हिडन वाला कॉमन सरफेस का अपोजिट होता है, और जब दो सरफेस कॉमन हो तो जो दो अनकॉमन फेसेस दिख रही होती हैं वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो इस तरह दोनों फिगर से आप निकाल सकते हैं, सेकेंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड से आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल, दैट मीन्स ई का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज है, यानी कि हमें ब्लैक बटन्स आर शर्ट्स। तो देखिए पहले ब्लैक बटन देखते हैं, तो ये आपके क्या ब्लैक बटन और ये आपका कमीज वाले हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से 18 एंड 19 आ रहा है, दैट मीन्स इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा वो 19 आ रहा है, यानी हमारे कितने ब्लैक बटन्स हैं, ये अब 19 ब्लैक बटन्स क्या हैं शर्ट्स हैं, दैट मीन्स कौन सा सेकेंड ऑप्शन, यानी इसमें तीनों में से जो कॉमन एरिया होगा वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताना है कि उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी चार ऑप्शन में से कौन सी हमारे जो क्वेश्चन को फुलफिल करेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए कौन सा, पहले एक हमें इस तरीके का सर्किल चाहिए होगा, इसके बाद यहाँ पे एक इस तरीके का रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट आएगा इस तरीके। कहाँ पे आपको इमेज देखिए, अब ध्यान दें जैसे हमने इमेज यहाँ बनाई है, आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रही होगी, दैट मीन्स कौन सा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे दोनों सर्कुलर, दैट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं, दोनों रेक्टेंगल हैं सर्फेस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वाले में ये जो पॉइंट है फर्स्ट और सेकेंड, सिर्फ पॉइंट का सर्कल का डिफरेंस है, दैट मीन्स सर्कल कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन में आएगा, दैट मीन्स सेकेंड में यहीं पे गिवन है।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 22 में कह रहा है कि दी गई आकृति में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। हमें बताना है कि किसमें हमारी प्रश्न आकृति निहित है। तो अगर प्रश्न आकृति को ध्यान से देखें तो पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रा करना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रा करना हो लेफ्ट हैंड साइड, देखिए फर्स्ट वाले में तो ड्रा हो रही बट ये राइट हैंड साइड हो रही, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। इसमें भी जो स्ट्रेट लाइन है ये राइट हैंड साइड ड्रा नहीं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ड्रा नहीं हो रही, राइट हैंड साइड ड्रा हो, तो ये भी आंसर आपका पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप थर्ड ऑप्शन में देखें, यहाँ भी आप किस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है जो आपको चाहिए क्वेश्चन। लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड है किस तरीके से लाइन ड्रा हो रही। इसके बाद देखिए आपको बॉटम से एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसके बाद अपर जाना है, तो यहाँ पे देखिए ये बॉटम में आ गए, इसके बाद ये ऊपर गए, इसके बाद ये आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा हो जाए। दैट मीन्स कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में ही आपकी कोई प्रश्न आकृति निहित है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये आप किस तरीके से ऑप्शन में चाहिए थी आकृति। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे ये आकृति निहित है, ठीक है। तो हमारे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताना है कि जो हम फोल्डिंग किए हुए, इसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पहले हम पेपर को फोल्ड किए, तो हमारा क्वेश्चन क्या करने का तरीका, तो हम पेपर को जस्ट रिवर्स अनफोल्ड करने लगते हैं। तो देखिए हम जब इसको जस्ट अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमने कटिंग किया, तो यहाँ की कटिंग यहाँ पे भी आ जाएगी। इसके बाद जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो कटिंग आ गई, जब इसको ओपन करेंगे तो कहाँ यहाँ पे भी कटिंग आ जाएगी, यानी आपके बोथ एंड पे क्या होगा इस तरीके से कटिंग आ जाएगी। दैट मीन्स इसमें देखिए वन साइड में कटिंग आ रही, ये आंसर गलत। इसमें भी वन साइड पे कटिंग हो रही है, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले में देखिए बोथ साइड पे कटिंग हो, दैट मीन्स यही आंसर आपका करेक्ट होगा। फोर्थ वाले का ऑप्शन भी देख सकते हैं, इसमें अपर साइड पे कटिंग हो रही है, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत। इसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि बोथ साइड आपकी कटिंग हो रही है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 में आते हैं क्वेश्चन में, देखिए 24 में आपको मिरर इमेज क्वेश्चन, इसमें बताना है कि कौन सी आकृति आपका जो इसके मिरर इमेज क्या होगी। तो देखिए इसकी मिरर इमेज यहीं पे बनाने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि ये टोटल इमेजिनेशन होता है, जितना आप इसको इमेजिन करेंगे ये टोटल प्रैक्टिस बेसिस पर। देखिए जो एक बॉटल में कॉर्नर पे, तो देखिए अपर एंड डाउन तो सेम ही रहेगा, जो अप है वो अप रहेगा, जो डाउन है डाउन, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड है, तो इधर की जो इमेज में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो एक सर्कल यहाँ पे मिडिल वाला यहाँ पे और ये टॉप में, यानी देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी एक सर्किल है तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका इसमें से ऑप्शन देखें तो इस तरीके से कौन से ऑप्शन में करेक्ट है। देखिए यहाँ पे तो ये इमेज के जैसे सेम ही है, दैट मीन्स ये तो नहीं होगा। यहाँ पे बॉटम वाले को टॉप में शिफ्ट कर दी, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी टॉप में शिफ्ट कर दी, ये भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब कौन सा, तीन ऑप्शन गलत, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, इसमें स्टार वर्ड है, इसको हमें कम बताना है कि इसके जो कोड है वो कौन कौन से सही है। तो इसको हमें ऑप्शन के थ्रू ही करना होता है। तो देखिए हम इसके ऑप्शन से देखिए लास्ट वर्ड क्या एम, यहाँ देखिए 6-9 पे क्या है, 6 के 9 पे आपका एन वर्ड आ रहा है, हमें क्या चाहिए एम। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या गलत हो गया। इसके बाद 8 के 6 में देखना, 8 के यहाँ पे 8 के 6 में क्या है एन है, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए एम वर्ड चाहिए। 7 के 8 में चेक करते हैं, 7 के 8 में देखिए क्या है के है, यहाँ पे ये 8 हो गया, ये क्या 7, 7 के 8 में क्या, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन करेक्ट। जब तीन ऑप्शन गलत तो कौन सा चौथा ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 के 6 में क्या है, 9 के 6 में आप देख सकते हैं एम है, ये करेक्ट। इसके बाद ओ, 7 का 5 देख सकते हैं, 7 के 5 में आपका ओ है, इस तरीके से ये सारे इसके कोड मैच करेंगे, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का जिससे नोटिफिकेशन उन लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।